खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। और नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तारागढ़ के करीब एक गांव है घोड़, और यहाँ पे एक साल पहले नेशनल न्यूज़नामा की टीम ने यहाँ पे विजिट किया, और यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और यहाँ पे उन्होंने विजिट किया और देखा कि यहाँ पे किस तरह से इन लोगों को जो है वो मदद की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ यहाँ की एक रहायशी हैं, टीचर हैं यहाँ की, मिस रोज़ी मुगल, और वो यहाँ पे एक स्कूल भी चला रही हैं, और वो बच्चों के लिए बड़ी फिक्रमंद हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे ताकि आगे वो जो माशरे में जाके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, और साथ ही साथ वो लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज को तलाश करती हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो उनसे जो है वो मुस्तफीद हो सके। तो नेशनल न्यूज़नामा का जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करता है इस बात के लिए ताकि अपने लोगों को वो जो है वो फैसिलिटेट कर सके, और साथ ही साथ वो ऐसे सोर्स ढूंढ सके ताकि अपने लोगों को जो है वो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबा जात हैं उनमें आगे बढ़ाने का वसीला बन सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल पहले जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ के लोगों के हालात देखे, और यहाँ पे जो बच्चे थे पढ़ने लिखने वाले, हमने खास करके उन पर नज़र की, और हमने मिस रोज़ी से इस बारे में बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को जो है वो पढ़ने लिखने के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम किसी ना किसी तरह से आपके लिए सोर्स जो है वो तलाश करेंगे। तो एक सोर्स जो हमारे लिए बड़ा ख़ास और बड़ा अहम रहा वो है मैडम फरीदा मंसूर का, और उन्होंने जब इस बात को सुना, जब उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई ही जो गांव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना चाहिए, उनको तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों के लिए जो है वो बुक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया करेंगे। तो एक साल से मैडम जहाँ से जैसे भी होता है कहीं ना कहीं से हम आपके लिए बुक्स अरेंज करते हैं, और बहुत बड़ा जो सोर्स है वो मैडम फरीदा मंसूर हैं। हम मैडम फरीदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं जो हमारे लिए इतना सोचते हैं। एक साल पहले भी उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत सपोर्ट की है, और इसी लिहाज से बच्चे बहुत खुश हैं, और बच्चे थैंक्स भी बोलते हैं और बोलना भी चाहते हैं सभी, और नेक्स्ट भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैडम किंजा ने लास्ट टाइम जो है वो क्रिसमस पे बच्चों के लिए खिलौने भेजे थे, तो आप मैडम किंजा को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैडम किंजा, हम जो गुजर चुका साल उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, आपने हमारे बच्चों को गिफ्ट भेजे और इसके लिए हम दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं, और नेक्स्ट भी हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं। इस ईयर्स में भी हो सकता है आप हमारे बच्चों को जो है ना क्रिसमस गिफ्ट या कोई गिफ्ट भेजे। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि लिविंग वाटर सोसाइटी जो है वो इस काम को जो है वो कर रही है, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि लिविंग वाटर सोसाइटी जो है वो ये चाहती है कि ऐसे सोर्स ढूंढे जाएं ताकि जो हमारे लोग पसमानदगी की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उन तक जो है वो किसी ना किसी तरह से ऐसी मदद फरहम पहुँचाएँ ताकि हमारे लोग जो है वो पस्ताहाली से निकल के ऐसी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, ताकि हम माशरे में एक अच्छा मुकाम हासिल करके एक नुमाया जो है वो पहचान लोगों के सामने दिखा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं जो कि आज यहाँ पे मौजूद हैं, और द लिविंग वाटर सोसाइटी जो है उसने मैडम फरीदा से बात की, और उन्होंने अपने साथियों से बात की, और उन्होंने कहा कि हाँ क्रिसमस के मौसम में क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो हमें अपने बुजुर्गों के लिए जो है वो शॉल्स जो हैं वो उनको देनी चाहिए। तो लिविंग वाटर सोसाइटी का ये जो काम है वो आपके सामने है, और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि नेशनल न्यूज़नामा और द लिविंग वाटर सोसाइटी मिलके इस तरह के जो सोर्स है वो ढूंढती है ताकि अपने लोगों के लिए वो किसी ना किसी तरह से ऐसा इंतज़ाम कर सके ताकि हमारे जो लोग हैं वो भी एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। जी आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, गौर गांव है जो कि तारागढ़ के करीब है, और यहाँ पे हम आए हैं इस क्रिसमस के मौका पर ताकि हम यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पे गर्म शॉल्स जो हैं वो दी जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा कुछ है, ये जो सारी शॉल्स वगैरह है, ये जो बच्चों के लिए जो काम है ये करती हैं मैडम फरीदा मंसूर, और उन्होंने इन सर्दियों के दिनों में इस बात को मतलब जाना कि हमें जो है वो गांव के जो लोग हैं उनको गर्म शॉल्स देनी चाहिए, और उनकी एक पूरी टीम है जो इस काम को करती हैं,
और मैं आपको नाम दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं मैडम फरीदा के साथ जो काम करते हैं, जिसमें मैडम सादिया है, मैडम समीना है, मैडम आयशा है, यास्मीन है, इसके अलावा कौसर हैं, विकी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये सारे लोग इस बात को जो है वो बखूबी समझते हैं कि हमें अपने लोगों का किस तरह से ख्याल रखना है। तो ये मैडम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारे बुजुर्ग जमा हैं और आप सामने देख भी सकते हैं और हम इनको जो है वो गर्म शॉल्स दे रहे हैं। जी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे बच्चे जो हैं ये डॉक्टर सौदागर साहब जो हैं वो जो कि नेशनल न्यूज़नामा के पाकिस्तान में डायरेक्टर भी हैं, उनकी वसासत से इन बच्चों को यहाँ पे खिलौने पहुँचते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सौदागर वो नाम है जो कि अपने लोगों के लिए जहाँ पे कहीं ज्यादती होती है वहाँ पे वो उनकी आवाज़ जो है वो बनते हैं। और ख़ास करके ये जो बच्चे हैं ये इस बात को खास करके एक आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, ताकि जब जैसे जैसे ये बच्चे गोश्त और खून में भरते हैं ये अपनी एजुकेशन में भी बढ़ेंगे। ये सारे बच्चे डॉक्टर सौदागर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो खाना था वो लास्ट टाइम भी डॉक्टर सौदागर साहब ने भेजा था और इस दफा मेरे ख्याल में डॉक्टर सौदागर साहब इनके लिए खाना भेजेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब आपका। प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये छोटा बच्चा है जिसको आपके साथ की जरूरत है, ताकि वो इस गांव से निकले और एक अच्छी जिंदगी बसर कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना जो है वो क्या है बच्चों, क्या है साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि हमें एक दूसरे का क्या बनना है, एक दूसरे का हमें साथी बनना है। तो नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से हम आज ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि आप भी अगर वाकई ही चाहते हैं कि आप किसी का साथ देना चाहते हैं, आप किसी के साथ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम की वसासत से आप नेशनल न्यूज़नामा से रब्ता कर सकते हैं, आप द लिविंग वाटर सोसाइटी से रब्ता कर सकते हैं, या आप रोजी मुगल जो स्कूल है उससे रब्ता कर सकते हैं। तो ज़रूर है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप बड़ी खुशी पाएंगे इस क्रिसमस के मौका पर, और ये बच्चे और ये नौजवान और हमारे बुजुर्ग जो हैं ये भी इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत ज़्यादा खुशी पाएँ। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक पैरों को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।